गृहस्थी सड़कों पर आ चुकी है। खुले आसमान में तंबू के नीचे रात गुजारने को मजबूर ये सारे परिवार, क्या बच्चे क्या माएं, इन सब का एक ही जैसा हाल है। नोएडा के खादर क्षेत्र में यमुना का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ा कि बाढ़ जैसे हालात बन गए और लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भागे। जिसके हाथ जो लगा वो बटोरा। बरसात इतनी तेज है कि यमुना का पानी उन इलाकों तक घुस गया है जहां आज तक बाढ़ नहीं आई। सर कभी वहां बाढ़ आई नहीं है हमारे पत्नों से, मतलब हमारे जानकारी से। जब धीरे धीरे बढ़ रहा था तब फिर सामान उठाए जल्दी जल्दी, बाल बच्चे लेके भागे। नहीं जानकारी कुछ नहीं थी, बस यही पानी बढ़ने लगा है तब सोचे पानी नहीं, कभी पानी यहाँ पर पानी मतलब कभी पानी यहाँ चढ़ा नहीं है ना यहाँ पे, अब अचानक पानी आ गया है, जो सामान निकाल पाए निकाल पाए, जो सामान डूब गया डूब गया है। नोएडा के सेक्टर 125 से 135 तक के बीच सभी इलाकों में यमुना का पानी अचानक बढ़ा। लोग बताते हैं कि पानी का जल स्तर इतना जल्दी बढ़ा कि ज्यादा कुछ समझने का वक्त ही नहीं था। फिलहाल सभी बाढ़ पीड़ितों का एक सुर में यही कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से राहत का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। निकल गया, पेड़ पौधे सब डूब गए हैं, नुकसान काफी हो गया है। नुकसान भी काफी हो गया है। कोई नहीं सर, कुछ नहीं, खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं, बाल बच्चे देखो अभी सामान ही उठा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कैसे करें पाएंगे। हमारे रहते तब कोई नहीं आया है, पहले कोई आया हो तो नहीं कर सकते। हाँ सामान अभी काफी हमारा फंसा हुआ है, बिस्तर सब फंसा हुआ है, कपड़े उठने हैं सब। कोई अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं अभी आया। क्या खाना वाना कैसे कर रहे हैं? खाना ने अपने पैसे खिलाते मोल लग खाते। यमुना के इस पानी ने किसानों को भी लाखों का नुकसान किया है। इसकी वजह से बाजरा और धान की फसलें पूरी तरह डूब चुकी हैं और फिलहाल मौसम के बदलते मिजाज के चलते ये अंदाजा भी नहीं है कि बारिश कब रुकेगी और ये पानी कब उतरेगा। तब तक शायद यही फुटपाथ इन गरीबों का आशियाना है। NBT ऑनलाइन के लिए नोएडा से मनीष सिंह की रिपोर्ट।